हेलो हेलो। माननीय विधायक जी, जी मैं सीतापुर से। जी 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 मैं उजियारी से बोल रहा हूँ सर, जिला बदायूं से, जेपी जी नमस्ते। साहू। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार क्या हाल नमस्कार। बाबू जी। जी बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहना चाह रहा था, उस जी दिन बस मुलाकात हुई थी यहाँ जी जी उजियानी जी में। तो जी एक सर, ये हमारे यहाँ सीतापुर से डीएम साहब आए हुए हैं। सीतापुर के डीएम साहब हाँ, प्रशांत कुमार जी यहाँ बदायूं में आए हुए हैं। करीब प्रशांत कुमार जी। जी उनको करीब 2-2.5 महीने हो गए। हाँ तो एक मेरे बच्चे का एक लाइसेंस पड़ा हुआ था, तो मैंने सीतापुर कहा से नहीं बाबू क्या जी सही। प्रशांत कुमार जी? सीतापुर अच्छा, सीतापुर से नहीं आई है? के नहीं प्रशांत कुमार जी। हाँ अच्छा, तो ये सुल्तानपुर के होंगे, ऐसा होगा। जी कहीं और जगह के होंगे, सीतापुर नहीं है। जी तो मैंने कहा बाबू जी से मैं कह सकता हूँ, तो बाबू जी से एक फोन करा दूंगा। हाँ, असल फोन में कर। हाँ, इससे पहले दिनेश कुमार जी थे हमारे यहाँ, तो वो जो है उन्होंने बना दिया, लेकिन साइंस किसी के नहीं किए थे। करीब उन्होंने 24-25 लाइसेंस बनाए, तब तक उनका जो है यहाँ से ट्रांसफर हो गया एक ही दिन में तत्काल। तो फोन भी कर उनको ही दूंगा, फाइनल रुके फोन भी पड़े। कर दूंगा, पत्र भी लिख दूंगा, लेकिन होना ना जी होना जी आपकी किस्मत है। जी लाइसेंस जी जी लिखे जी नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब जी हैं, और जी आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई जी पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता जी आपको, लेकिन आप लोग भक्त बने रहा, थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली थाली खूब बजिए साहब। देखिए हमारे हाँ तो नेट पे भी थाली नहीं बजिए। बजाइए मैं तो गंगा सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आरती का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थाली बजाइए, ताली बजाइए जी हैं, और हाँ ताली भी जी बजाइए, थोड़ा धीरे धीरे बजाइए, क्योंकि जी 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 चल रहा ये है साहब। तालीन बजाने वाले बचेंगे। अब जी आप जी साहू जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ताली साहब, बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजाई भी नहीं पाएंगे। ताली बिल्कुल ठीक बजाइए, बात ताली है जी, बजाइए, घर घर पैसा मांगिए, बिल्कुल उन्हें जो का काम बिल्कुल होता वही काम आप करेंगे। बिल्कुल 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 इस बिल्कुल ताली बजा तभी के, काम थाली बनेगा। बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। अरे बिल्कुल कब बिल्कुल जगोगे, भजन, कब जगोगे, कब जगोगे? बिल्कुल सही बात है। मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो और अल्लाह। हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से, हाँ पूजा एक चल रही है घंटे 5 बजे से। देखिए शंख नहीं, अभी लोग देखो क्या क्या आप पिछवाड़ा बजवाएंगे। अरे शंख बजा के कोरोना भागेगा? हैं? चीन जिमनास्ट में सारी दुनिया जितने पदक पाता है उतने चीन अकेले पाता है? चीन को नहीं जी। मालूम ताली बजा के थाली बजा के जो है कोरोना भगाया जा सकता? नहीं मालूम? ये आप जैसे लोग मूर्ख हो, कब तक जो है आपको जगाने कोई जाएगा? बड़े गर्व से बता रहे हो थाली बज रही थाली बज रही। थाली बजाने से नहीं आपका रोजगार लिया जा रहा थाली बजा के। ये आपका दिमाग थाली में लगा देंगे, शंख में लगा देंगे, ताली में लगा देंगे, और आपका रोजगार छीन लिया। ये थाली बजा के कोई बीमारी रोकी जाती है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दुनिया आप में कहीं थाली, लेकिन आप जैसे मूर्ख, ये जी। तेली पागल हुआ जा रहा, ये जी कमजोर जातियां पागल हुई जा रही, आप जी थाली बजा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, गंगा आरती इसी में रहे हो, इसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर। ताली बजाने जी काम जानते हो क्या है? शादी बरात तो जी बच्चा पैदा होता है, लोग ताली बजा के मांगने आते हैं, जी जी वही वाली ताली बजाते रहो जिंदगी भर, मांगते रहना। अच्छा। साहू जी आपका विवेक नहीं काम करता, इस ताली से नहीं भागेगा कोई है? ये अच्छा, बीमारी अब थाली और साहब ताली से भाग जाएगी क्यों? नहीं भागेगी, लेकिन ये सब कर रहे हैं साहब, नहीं हमको क्यों, भी सब करना कर पड़ रहे रहा हैं तो आप उसका, आप उसमें शामिल हो ना। क्यों सब कर रहे हैं मालूम है? क्यों जी। सब कर रहे हैं? उनसे कराया जा रहा, कराया कराया जा रहा इसलिए जा रहा है आप असली मुद्दे से भाग जाओ। जी। असली मुद्दा आपका लाइसेंस ना बने। आप जी लाइसेंस के लिए हमको फोन करोगे, क्योंकि आपके बदायूं भर में कोई बन नहीं पाया, उजानी भर में कोई है नहीं जी जो लाइसेंस के लिए सिफारिश करे। जी जी तो अभी तो ये हाल है, आगे बच्चों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई? क्योंकि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। आप तो थाली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो। आप अगर इसके लिए काम करोगे कि आपके बच्चों का भविष्य किसी ठीक हो, तो आप तर्क करोगे, सोचोगे, अध्ययन करोगे। नहीं, जी साहब, ये ताली बजा के कहीं कोई बीमारी भगाई जाती है? नहीं। बाबा रामदेव कहता योग करो रहो निरोग, और सबसे ज्यादा महंगी दवाएं उसी की बिकती हैं, मालूम है? नहीं, जी। सबसे महंगा सामान वही बेच रहा। तो ये देश के लोग हैं, बने रहे भाई, हम क्या कर सकते हैं? साहू जी हम आपके लिए पत्र लिख देंगे, फोन कर देंगे, ठीक है? आप ताली बजाइए, ताली ये शस्त्र लेके क्या करेंगे? जी।
पदक मिलते हैं जिमनास्ट में, चीन अकेला ले जाता है, उससे ज्यादा गोल्ड लेता है वो, ले जाता है। चीन को नहीं मालूम है, आपको पता है चीन में बीमार पड़ना राष्ट्रीय अपराध माना जाता है, आपको नहीं, चीन में नहीं पता है उनको कि ताली बजा के थाली बजा के हम बीमारी दूर कर सकते हैं। अब मैं नहीं, नहीं नहीं सर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपकी आपसे बहुत प्रभावित हूँ। ये थाली बजा के, थाली बजा के सुनिए, सुन लीजिए, हम जान रहे हैं आप कहाँ पे फंसा है मामला, इसीलिए तो आपसे बात करूँ, गुस्सा में नहीं भैया, तकलीफ है तकलीफ, आप अकेले थोड़ी बजा रहे हो, पूरा देश बजा रहा है। हाँ, मेरे रोके हाँ, रुकेगा हाँ, नहीं हाँ, मेरे रोके नहीं रुकेगा, हम जानते हैं ये भी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हम सरेआम क्या चाहूंगा सर, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप योगी जी के पास बैठते ही बात योगी जी से क्यों नहीं कहते आप? आपको पता है, आपको पता मेरे बारे में? नहीं नहीं नहीं, आपको पता है तो आप अज्ञानी हो ना, आपको पता है कि योगी मेरे यहाँ मेरा कितना झगड़ा चल रहा है, आपको पता है? नहीं पता, आपको पता है? दूसरे यादव भी जुड़े हुए हैं, वो भी मतलब दूसरी पोस्ट डाल देते हैं क्या? यादव जुड़े? हाँ, कौन यादव जुड़ा? इस पे एक यादव, यादव लिख के आता है, वो जन कौन सी प्रकार की पोस्ट डाली, मैंने की ये तो समझ। अरे आपको दिमाग से कम, आप दिमाग से कम, वो सब तेलियों का ग्रुप है, यादवों का ग्रुप नहीं है, उसमें यादव जुड़ा हुआ हम बता तो रहे हैं, आप दिमाग से कम, आपको आपको पता ही नहीं, आप बता दिए, आप योगी से ये बात करो करीब में बैठ, तो आपको पता मैं कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूँ? आपको पता ही नहीं है, आप अज्ञानता में घूम रहे हो। कोई बात नहीं, आपने हमको एक बार फोन कर लिया था तो हमने भी आपको दो बार कर लिया, धन्यवाद आपका। चलो, चलो। नहीं, मैं भी आपसे अगर कोई मार्गदर्शन लेना होगा तो मैं आपसे करता हूँ। नहीं, 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 हम ऐसे जाहिलों को मार्गदर्शन नहीं करते, बुरा ना मानिए, हमने शब्द गलत इस्तेमाल किया, मैं नहीं करता ऐसे लोगों का। हेलो जी, नमस्कार, मेरी बात क्या माननीय विधायक जी से हो रही है? जी नमस्कार जी, हो रही। विधायक जी नमस्कार, मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी के कार्यालय से प्रणव विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। जी जी बताइए सिंह साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है ये जानने की कि आपके विधानसभा क्षेत्र में राशन की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मेडिकल। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ ठीक है कोई बहुत। अरे नहीं नहीं बिल्कुल, सर्वत्र रामराज, रामराज सर्वत्र। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सर्वत्र रामराज, मतलब किसी प्रकार कोई। अरे कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल रामराज लोग याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। विधायक जी अगर आप चाहें तो इसको, ये फीडबैक आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे दे सकते हैं आप सब सब। नहीं हम क्या, हम आप ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, विधायक ने कहा बिल्कुल राम का राज्य आ गया, जनता इतना खुश, इतना बिल्कुल भगवान भगवान भगवान, सभी कुछ, सभी कुछ उसमें जो है बिल्कुल मिल रहा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। राशन के वितरण में कोई दिक्कत नहीं, किसान नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल सब, बिल्कुल राम का राज्य है, बिल्कुल राम के राज्य में जैसे हम लोग पढ़े थे ना वैसा है जी। अच्छा, उसको मूर्त रूप प्रदान हो गया। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल राम का राज आ गया और बहुत अच्छा, सब सर्वत्र बिल्कुल ठीक है। जी जी, और कुछ तारीफ का है नहीं मेरे पास, इससे ज्यादा मैं और भी कह दूँ? नहीं नहीं, राठौर साहब बिल्कुल सही, तारीफ का और कुछ है नहीं भाई साहब, कह सकता हूँ यही शब्द बार बार रिपीट कर सकता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेल्थ फॉर यू चैनल को और बेल को दबाइए हर मजेदार।